हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन। जी हाँ, चिकन बनाते हैं। चलिए सबसे पहले कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम लोग चिकन को थोड़ा सा सैलो फ्राई करेंगे। ये हमने करीब 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है और चिकन में थोड़ा सा कलर डालने के लिए थोड़ी सी हल्दी को तेल में डाल के इसको इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को सैलो फ्राई कर लेंगे। हम चिकन को, क्योंकि तेल हम लोगों ने बहुत कम डाला है इसलिए कढ़ाई में वो पकड़े ना, उसको चलाते रहें और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। अब हमारा चिकन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसी कढ़ाई में चिकन बनाएंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च और आपको कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा उस मसाले का नाम रतन जोत है, साबुत हरी मिर्च। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए रतन जोत ने कलर दे दिया है, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कश्मीरी लाल मिर्च या फूड कलर का, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, 1 साबुत लहसुन लिया है और कुछ लहसुन को छिलके डाल दिया है। रतन जोत की तासीर ठंडी होती है, आयुर्वेद के अनुसार इसका यूज़ बुखार अगर किसी को हुआ है तो इसका यूज़ करें तो बुखार उतर जाता है। फ्रेंड्स, केवल इसमें 2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाला है, ऐसे ही यह ऑप्शनल आप डाल सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। हमने 1/2 किलो के करीब प्याज लिया है, अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम अपना होममेड मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 से 3 चम्मच जीरा, 6-7 लौंग, सहजीरा पोस्ता का दाना, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री और छोटी इलायची, उसको हम पीस लेंगे। अब हम अपने चिकन को प्याज में डाल के चिकन और प्याज को ऐसे ही तब तक भुनेंगे जब तक चिकन का मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता है। चिकन को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। बीच बीच में हम चिकन को खोल के उसको चलाते रहेंगे। चिकन हमारा पानी छोड़ रहा है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने हल्दी डाल दिया है, हमने हल्दी के साथ साथ नमक भी डाल दिया है, वो सूट नहीं हो पाया है, नमक की वजह से हमारा चिकन और ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हल्दी को हम चिकन में मिला लेंगे और वही प्रक्रिया बार बार उसको चलाते रहेंगे और मसालों को भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से चिकन ज़रूर बना के देखिएगा। मेरी कढ़ाई भी मुर्गे के साथ उछल रही है, लग रहा है मुर्गा इसी में कूद रहा है। जट्स जो फ्रेंड्स, हमने उन सारे मसालों को पीस लिया है, अब हम उस मसालों को अपने चिकन में ऐड कर देंगे। अब हम मसाले को प्याज और चिकन में मिक्स करके चलाते हुए भूनते रहेंगे तब तक भूनेंगे जब तक चिकन का पानी
ख़त्म ना हो जाए और प्याज और चिकन एक जैसा मिक्स ना हो जाए। मसाले को भुनेंगे। चिकन को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो जल ना जाए। फ्रेंड्स देखिए हमारे चिकन में कलर आते जा रहा है, चिकन भुनते जा रहा है और मसाला भी भुन चुका है क्योंकि बीच बीच में अब चिकन और मसाले तेल छोड़ना शुरू कर दिए हैं। चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें पानी कम लग रहा है इसलिए हम इसमें और पानी ऐड कर ले रहे हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद चिकन को अब हम ढक के 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फाइनली अब हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स हमारा चिकन बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।